Alright, good evening to each and every one of you, good evening Rishi, good evening Himanshi, good evening Vyashnavi, good evening Sandeep Kumar Yadav, Mayank, Anis Mora, Menka Soni, Himanshi Shukla, AXE, Edits, Rishi Tomar, Adil Khan, good evening to each and every one of you, good evening Saumya Bharti, aap I hope all of you are doing fantastically well, yes, alright, great, so... हम लोग यहां पर कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं हम लोग यहां पर कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन कोर्स फॉर इंटरमीडिएट मे 23 थ्री एग्जामेशन आज इसका लेक्चर नंबर एट है हम लोगों ने कैपिटल गेन स्टार्ट किया था और आज कैपिटल गेन्स का फिफ्थ एंड फाइनल सेशन मैं आप लोगों के सामने यहां पर कंडक्ट करने जा रहा हूं दिस इज द लास्ट सेक्शन दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स और कल से फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस राइट right? दो दिन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज करने लग जाएंगे क्लासेस आपकी रोज चलेंगी कोई छुट्टी नहीं होने वाली कोई संडे नहीं कोई रिपब्लिक डे नहीं कोई होली नहीं ठीक है क्लासेस आपकी बिल्कुल रोज चलेंगे क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं और हम लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी है राइट right?

इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्ट्रेटजी सेशन का लिंक दिखाई देगा मैंने रिसेंटली एक स्ट्रेटजी सेशन लिया था मे 23 के स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे रिवीजन करना चाहिए कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना चाहिए कैसे अपीयर करना चाहिए वगैरह वगैरह तो वो वाला सेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा बहुत फायदा होगा उससे एटलीस्ट आपको यह पता चल जाएगा कि रिविजन कैसे करना चाहिए और अगर आप कहीं पर भटक रहे हो तो आपको एक पर्स्पेक्टिव मिल जाएगा आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्स के जितने भी लेक्चर्स शुरुआत से लेकर अभी तक हुए हैं उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर मैं जो कुछ भी नोट्स यूज करता हूं वो सारे के सारे नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवाए हुए हैं और नोट से रिलेटेड लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स वाले लिंक पर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को शेड्यूल भी दिखाई देगा तो शेड्यूल पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको टेंटेटिव शेड्यूल दिख जाएगा कि आगे किस किस दिन कौन कौन सी क्लासेस हम लोगों की होने वाली है ठीक है सर चलिए सर हम लोग कर रहे थे कैपिटल गेन्स बहुत सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया था और कल सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए थे

Yes, क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन वी हार डन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट से आज हम लोगों को स्टार्ट करना है ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं चैट सेक्शन में आप लोगों को नोट्स का लिंक मिल जाएगा नोट्स में सारा का सारा कैपिटल गेन्स अवेलेबल है आप लोगों के पास राइट right? मैं कुछ ही कुछ क्वेश्चंस यहां पर करवा रहा हूं आपको क्लास में बाकी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को दिए हुए हैं बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर जरूर प्रैक्टिस करने और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए लेट्स गेट स्टार्ट जोश्री बड़ी एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से मेरे को बता दो हाउस एक्साइटेड फॉर टूडेज क्लास कम ऑन पे हूं आपकी एनर्जी को ही करने आई थी अच्छा आपकी एनर्जी को हाई करने आई थी ओहो थैंक यू सो मच साइमा यस हाई मयंक राखी संदीप कुमार साहिल साहिली आदिल खान नवी कुमार हेल राइडर चलो सर शुरू करते हैं फिर अपना आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने देखिए मिस्टर रंजन मिस्टर रंजन प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू सेल ऑफ सर्टन सिक्योरिटीज बाई हिम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री

राइट right? तो फिफ्थ अप्रैल 2022 को ये शेयर्स बेचे अक्वायर कब किए थे बिफोर 2018 को किए गए थे और कॉस्ट थी हंड्रेड रुपीज पर शेयर की पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्म एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर विच वॉज अफेक्टेड थ्रू अ रेकनाइज स्टॉक एक्सचेंज तो जो तो ये जो आपका सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है वो परचेस के टाइम पर भी पे किया गया था और सेल के टाइम पर भी पे किया गया था

ठीक है तो ये तो हो गई बात ए लिमिटेड के दस हजार शेयर सेल करने वाली उसके बाद दूसरा ही सोल्ड वन थाउजेंड यूनिट ऑफ बी म्यूचुअल फंड अभी एक बी म्यूचुअल फंड था उसकी वन थाउजेंड यूनिट बेची ऑन ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एट फिफ्टी रुपीज पर यूनिट पचास रुपए पर यूनिट पर बेची बी म्यूचुअल फंड इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है ठीक है तो लिस्टेड फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड

STT was paid only at the time of transfer of such units on 31st January 2018. The net asset value of the units of B mutual fund was 55 rupees per unit. ठीक है? तो 31st January 2018 की fair market value आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है. और फिर तीसरी चीज़ इसने 1000 shares बेचे किसके? C Limited के 1000 shares बेचे. कब बेचे? 25th April 2022 को बेचे. कितने रुपए में बेचे? 250 रुपए per share पे बेचे. Now सी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है तो अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या इसमें जो कल हम लोगों ने सीखा था एफ से कंपेयर करो फिर कॉस्ट से कंपेयर करो फिर ये करो फिर वो करो क्या ये सारी चीजें होंगी नहीं और अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो क्या लॉन्ग टर्म पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा आ, जो लिस्टेड शेयर्स होंगे उन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा जो लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो हम लोग सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करके फिर माइनस करेंगे और तब जाकर हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकल कर आएंगे राइट तो सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड ऑन 25th अप्रैल 2022 एट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रूपीज पर शेयर

कि अदर इनकम उतनी सफिशियंट थी कि वो बेसिक एक्जेपन लिमिट को क्रॉस कर गई मतलब जो भी हमारा कैपिटल गेन्स आएगा उसके अगेंस्ट हमें बेसिक लिमिट का एडजस्टमेंट uh, नहीं करना है आई होप यहां तक तो की बात आप सब समझ में आ रही है ठीक है चलिए जी अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सिक्वेंशली चलेंगे अच्छा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिस्ट्रीज आपको दिए हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या हम लोग ए लिमिटेड के इन दस हजार शेयर को बेचेंगे ठीक है तो सेलिंग प्राइस क्या आया सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पर शेयर आया तो टेन थाउजेंड इंटू सिक्स वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा टेन थाउजेंड इंटू सिक्स लाख रुपीज तो शेयर आर वे लिमिटेड इन रेग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी वॉट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल भी सिक्स लाख 65 कुछ है नहीं माइनस हो जाएगा मतलब क्या? कुछ भी नहीं हो और ये 65 आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया Now, ये एक है नाउ तो क्योंकि इसको कंपेयर करना होगा बहुत सारी चीजों को देखते हुए जिससे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल पाएंगे हम लोग तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन प्राइस यहां पर देखा जाता है तो यहां पर हाइएस्ट प्राइस क्या है प्राइस है 300 रुपीस पर शेयर तो 300 हम लोग करेंगे थर्टी लाख रुपीज थर्टी लाख रुपीज ये आया

तो दस लाख रुपए ये और इसमें जो भी हायर होगा हायर क्या है तीस लाख रुपए हायर है तो तीस लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन आएगी और यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आएगा थर्टी फाइव लाख रुपीज का यहां जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आएगा थर्टी फाइव लाख रुपीज का आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए राइट दैट सेक्शन दस लाख वेरी बहुत बढ़िया यस सर श्रुति शर्मा तिशा देसाई संदीप कुमार यादव मयंक नवी कुमार लोकेश नवी मयंक साहिल वेरी गुड ठीक है अब आइए आगे चलते हैं प्लीज अगर आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है राइट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके यहां पर आ गए ए लिमिटेड के शेयर्स को सेल करने से अब हम दूसरे एसेट आसे को सेल करने की बात करते हैं वन थाउजेंड यूनिट्स ऑफ बी म्यूचुअल फंड कितने रुपए में बेची पचास रुपए में बेची तो वन थाउजेंड इंटू फिफ्टी ठीक है

से जो भी लोअर होगा कितना so इनमें से जो भी हायर होगा वो तो इनमें से हायर है पचास हजार और यहां पर म्यूचुअल फंड से कोई भी प्रॉफिट निकलकर नहीं आ पाया है ठीक है

क्वेश्चन में ये गलत प्रिंट हो गया इसको आप वन थाउजेंड नहीं है ये तो हंड्रेड शेयर है तो आप इसको हंड्रेड कर लो सोल्ड ऑफ सी लिमिटेड इंटू टू कितना आता है ट्वेंटी रुपीज तो उसके बाद क्या इसमें एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर कुछ थे कोई एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर नहीं थे पच्चीस हजार रुपया उसके बाद इसमें हम लोग माइनस करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब ऑफ एक्विजिशन तो अनलिस्टेड कंपनी बोनस शेयर्स मिले थे जब भी मिलते तो मानी जाती है लेकिन अगर बोनस शेयर्स फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट मानी जाती है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2001 थाउजेंड वन और फर्स्ट अप्रिल टू को इनकी फेयर मार्केट वैल्यू थी पचास रुपए पचास रुपए इंटू सो दैट इज कॉस्ट तो पचास रुपए इंटू सौ पचास रुपए इंटू सौ दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन एंड थ्री थर्टी वन बाई हंड्रेड इंडेक्स एक्शन हम लोग निकालेंगे पचास रुपए इंटू सौ इंटू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड यह आता है आपका सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी आ जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आता है वो आता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड 25,000 16,550 8450, 8450 ये निकल कर आ जाता है 8450 तो गेन्स कितने होते हैं ये 35 लाख ,00 जीरो तो ,00 प्लस 8450 तो ये आ, जाएगा आपका 35 0, 8, 4, 5, ये आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ठीक है अब देखो

तो इनको नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह से टैक्स किया जाएगा तो इस पर 20 परसेंट का टैक्स आपका लग जाएगा ठीक है इस पर 20, इर, 20 का का टैक्स आप आप लोगों लग जाएगा आई एम श्योर यहां तक की बात आप सब समझ में आ गई है ठीक है तो चलो सर देखते हैं यहां पर थर्टी फाइव ,00 लाख रुपीज में से एक लाख रुपए निकालो तो थर्टी फाइव लाख माइनस वन लाख उस पर टेन परसेंट का आपको टैक्स लगाना होगा तो थर्टी फोर लाख रुपीस पर टेन परसेंट का टैक्स लगेगा थर्टी फोर लाख रुपीज पर टेन परसेंट का टैक्स लाख चालीस हजार का टैक्स लाख चालीस हजार है ठीक है उसके बाद ये एट फोर फाइव जीरो पर ट्वेंटी परसेंट का टैक्स लगेगा एट फोर फाइव जीरो पर ट्वेंटी परसेंट का टैक्स लगेगा एंड दिस इज वन सिक्स नाइन जीरो

काजल बहुत बढ़िया शानदार ठीक है अब आप एक काम करिए प्लीज जितने लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने नवंबर 2020 में फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आया था आ जाओ इसको देखा जाए ठीक है लेट्स ही मिस्टर गोविंद परचेस्ड सिक्स हंड्रेड शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट वन थर्टी रुपीज पर शेयर ऑन ट्वेंटी सिक्स फेब्री नाइनटीन सेवेंटी नाइन 26 फरवरी को शेयर्स खरीदे थे वाले ओरिजिनल पहले खरीदे गए थे जो बोनस शेयर्स अलॉट हुए ये भी फर्स्ट अप्रैल 2001 के पहले अलॉट हुए तो अब ये जो टोटल 1800 शेयर्स हैं इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 सॉरी एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2001

31st January 2022, financial year -2022 में, he converted 1,000 shares एज his स्टॉक इन ट्रेड तो ये जो 1,800 सौ थे इसके पास 600 सौ प्लस एक हजार दो सौ इसमें से एक हजार शेयर्स इसने कन्वर्ट कर लिए एज स्टॉक इन ट्रेड राइट अब सुनना

अब यहां पर थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जब इन शेयर्स को कन्वर्ट किया गया एज स्टॉक इन ट्रेड तो इस समय इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी थर्टी फर्स्ट जनवरी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ट्रेडिंग हुई है हाई प्राइस है टू थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज और क्लोजिंग प्राइस है टू थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज मैं ये जानना चाहता हूं कि हम लोग इस समय फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे ठीक है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड वॉट शुड वी कंसिडर टू बी द फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी कंसिडर द हाई प्राइस ऑफ टू थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज पर शेयर और शुड बी कंसिडर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ टू थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज पर शेयर क्या ख्याल है आप लोगों का क्या ख्याल है आपका हेल राइडर कह रहे हैं टू थाउजेंड टू हंड्रेड संध्या कह रही है टू थाउजेंड टू हंड्रेड सोनाली पात्र कह रही है टू थाउजेंड टू हंड्रेड और बाकी भी कई सारे लोगों ने कहा टू थाउजेंड टू हंड्रेड मैं आपकी बात से अग्री करता हूं लेकिन अपेरेंटली आईसीए इस बात से अग्री नहीं करता है ठीक है ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है यह नोवर दो हजार बीस का दो हजार एक सौ रुपए पर शेयर पर सॉल्व किया 2100 रुपीस पर शेयर को लेकर इसको सॉल्व किया उसके नीचे आईसीए ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो सुनना आईसीए ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई साहब जो हाइएस्ट प्राइस वाली आप बात कर रहे हो जो हाइएस्ट प्राइस वाली आप बात कर रहे हो उसको तो हम तब कंसिडर करते हैं जब हम थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन की फेयर मार्केट वैल्यू को निकालना होता है तो ठीक है जब हमें थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन की फेयर मार्केट वैल्यू को निकालना होता है तब हम हाइएस्ट प्राइस को कंसिडर करते हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड द फेयर मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू जहां जो ओपनली रेकग्नाइज है एक्सेप्टेड है जहां आपका एसेट एक्सचेंज हो सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है राइट right? यहां पर दो दो प्राइसेस दिए हुए 2200 हजार और 2100 आईसीएआई ने सिर्फ इतना लिखा हमने 2100 मानकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है ज वॉट आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में लिखा था कि हम लोगों ने मतलब आईसीए ने इस क्वेश्चन को टू थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज पर शेयर मानकर सॉल्व किया है <coughs> जैसे ही मैं ये बोलता हूं आपके दिमाग में सवाल आता है तो सर हमारे अटेम्प्ट में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो क्या अगर हम टू थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज पर शेयर मान के चले तो क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे तो मैं आपको एक बात रिस्क मत लो एक बार ये क्वेश्चन अगर पहले आ चुका है और आईसीए सजेस्टेड आंसर्स में बता चुका है कि उसका इंटेंशन क्या है तो आप इस चीज को याद रख के चलो अगर आपके अटेम्प्ट में भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप भी अगर मतलब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड वाला क्वेश्चन आता है और वहां पर दो दो फेयर मार्केट वैल्यूज दी हुई है एक हाइएस्ट दी हुई है क्लोजिंग दी हुई है तो आप क्लोजिंग ही लेकर चलोगे ठीक है आप भी क्लोजिंग ही लेकर चलोगे रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है हाँ, अगर ऐसी कोई एम्बिग्यूटी आपके पेपर में किसी नए क्वेश्चन में आ जाती है देन यू हैव टू अज्यूम एंड मेक योर अजम्पशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली राइट चलो आ जाओ तो अभी कन्वर्जन uh, के समय पर कन्वर्जन के समय पर फेयर मार्केट वैल्यू हम दो हजार एक सौ रुपए मानेंगे थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मिसर गोविंद सोल्ड ऑल वन थाउजेंड एट हंड्रेड शेयर एट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रूपीज पर शेयर एट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वॉज पेड कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस गोविंद फॉर असैसमेंट इवेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है अब आ जाओ सबसे पहला हेडवाइज चलते हैं हम लोग हेडवाइज चलते हैं सैलरी इनकम कुछ नहीं है हाउस प्रॉपर्टी इनकम कुछ नहीं है बिजनेस इनकम है बिजनेस इनकम कैसे है कि पहले आपने हजार शेयर को कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था ठीक है और फिर आपने पूरे के पूरे अठारह सौ शेयर जब आपने पूरे के पूरे अठारह सौ शेयर मतलब आपने वो हजार कन्वर्टेड शेयर को भी बेचा और ये हजार शेयर्स अभी आपका कैपिटल एसेट नहीं है अब ये हजार शेयर्स आपका बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड है तो ये इन हजार शेयर्स को बेचने से आपका कैपिटल एसेट नहीं बल्कि पीजीबीपी वाली इनकम अराइज होगी ठीक है इन हजार शेयर को बेचने से आपकी पीजीबीपी की, की इनकम होगी तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हजार शेयर्स इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड हजार शेयर इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यह आ जाता है ट्वेंटी फोर लाख रुपीज यह आ जाता है ट्वेंटी फोर लाख रुपीज ट्वेंटी फोर लाख रुपीज यह आ जाता है ठीक है अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे बी दिन देखो वन थाउजेंड इंटू टू थाउजेंड वन हंड्रेड नोट में मैंने आपको वही दिया है ट्वेंटी वन लाख रुपीज आ गया और तीन लाख रुपए का आपका पीजीबीपी की इनकम हो गई है ठीक है तीन लाख रुपए की पीजीबीपी की इनकम राइट right? अब देखो जो बचे हुए शेयर्स सौ शेयर एक चीज याद रखना इन हजार शेयर पर हमें कैपिटल गेन भी निकालना होगा जिस दिन कन्वर्जन हुआ था उस दिन का, उस दिन दिन का का कैपिटल गेन भी निकालना होगा वो टैक्स इस साल होगा वो अलग बात है लेकिन जिस साल कन्वर्जन हुआ था जिस साल भी कन्वर्जन हुआ था उस साल के लिए कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा अभी निकालेंगे टैक्स इस साल होगा लेकिन कन्वर्जन उसी साल का आएगा आओ देखो अभी हम लोग ने एक हजार शेयर यहां पर बेच दिए अब आठ सौ शेयर जो कैपिटल एसेट वाले बेचे आज उसके बारे में बात करते हैं तो एट हंड्रेड इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट हंड्रेड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड या आ जाता है आपका नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड राइट या गया नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं था तो नेट कंसिडरेशन आ गई नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अब क्योंकि लिस्टेड शेयर्स थे कैपिटल एसेट था 31 मार्च 2031 जनवरी 2018 से पहले मिले थे बाद में बेचे जा रहे तो इसमें फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसी तरह से निकाली जाएगी तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफ एम बी एज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन तो इसमें हाईएस्ट प्राइस लेते हैं तो थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन में आपको दिया हुआ है टू थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज पर शेयर ठीक तो है 2, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज थर्टी फर्स्ट जनवरी आठ सौ शेयर सेवन सिक्स रुपीज ठीक है ना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ऑन फर्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन वॉज नाइन नाइन हंड्रेड

सत्रह लाख साठ हजार रुपए यहां पर ही आपका निकलकर आ जाता है सत्रह लाख साठ हजार रुपए सत्रह लाख साठ हजार रुपए यही आएगा ना टू थाउजेंड टू हंड्रेड ही तो है टू थाउजेंड टू तो हंड्रेड रुपीज है पर शेयर ठीक है तो ये सत्रह लाख साठ हजार रुपये निकलकर आता है यस बहुत बढ़िया अब आगे चलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी थाउजेंड नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इनमें से जो भी लोअर है सेवेंटीन लाख सिक्सटी थाउजेंड लोअर है और इसको फिर हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सात लाख बीस हजार रुपए सात लाख बीस हजार रुपए इसमें विच एवर तो सत्रह लाख साठ हजार रुपए आ जाता है तो नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सत्रह लाख साठ हजार सत्रह लाख साठ हजार ये आ जाता है आपका एक लाख साठ हजार ठीक है एक लाख साठ हजार का ये यहां पर कैपिटल गेन्स आपके निकल कर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने निकल कर आए एक लाख साठ हजार ठीक सर कैपिटल गेन में तो फुल एफ बी सी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना वंशिका प्रजापति मैं समझा नहीं आपकी बात वंशिका

सही चल रहा है एकदम सही चल रहा है कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है का? कहीं पर भी कोई एक लाख साठ हजार रुपए का आ गया, है? अब आ जाओ आगे चलते, हैं। अब, आ आगे चलते हैं। अब ये तो आ गया आपका अब देखो जो हजार आपने कन्वर्ट थे जो हजार शेयर्स आपने कन्वर्ट किए थे उस कन्वर्जन के टाइम पर भी कैपिटल हुआ होगा

ठीक है एंड वंस अगेन इवन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ध्यान देना इवन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन पंगा वही है पंगा क्या है कि लिस्टेड शेयर्स हैं जो कि अक्वायर किए थे बिफोर 2018 बेचे जा रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2018 तो फिर इसमें भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसी तरह से कैलकुलेट की जाएगी ठीक है अभी आ जाओ यहां पर तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन तो थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड को फेयर मार्केट वैल्यू क्या दो हजार दो सौ रुपए आ जाती है दो हजार दो सौ रुपए आठ सौ इंटू दो हजार दो सौ कहा गया आठ सौ सॉरी हजार शेयर्स इंटू दो हजार दो सौ हजार शेयर्स इंटू दो हजार दो सौ तो हजार शेयर्स इंटू दो हजार दो सौ ये कितना आता है

रुपे, फिर आप देखते हो हायर तो लाख 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 या इज इज हायर 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 ठीक है तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने आते हैं 21 लाख माइनस इक्कीस लाख तो यहां पर नील कैपिटल गेंस निकलकर आ जाते हैं आई एम श्योर सब समझ में आ गई बोलो ओके सॉरी सर मैं ये कह रही थी मुझे लगा 800 शेयर्स कन्वर्ट हुए ओके 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 नहीं नहीं 1000 शेयर्स कन्वर्ट हुए ठीक है तो यहाँ पर ट्वेंटी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके ने गए। टोटल इनकम आपकी कितनी आई टोटल इनकम आपकी आ गई टोटल इनकम आ गई आपकी वन लाख सिक्स थाउजेंड इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है सर आई होप यहां तक की बात आप सब समझ में आ गई बोलो मिस्टेट फॉर बोलो बेलो फॉर रेवर राइट right? अब आप लोग आ जाओ ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया ये नोट वही वाला दिया हुआ है ठीक है जो मैंने आप लोगों को समझाया था नोट वही वाला दिया हुआ है तो इसको आप लोग आप लोग लोग देख सकते हो अपने अब हम लोग कुछ करते हैं जिनमें अलग अलग चीजें मिलकर आएंगी कई सारे आएंगे आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी आएगी आपका एक्ज भी आएंगे शेयर भी आएंगे अनलिस्टेड भी आएंगे बोनस भी आएंगे बहुत सारी चीजें आएंगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस अब हम लोग करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स की ऑल सेट श्रवण कुमार मिश्रा डन संदीप कुमार यादव वेरी नाइस आ जाओ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर मई 2013 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था मई 2013 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत मजा आएगा इसको करने में आओ देखो आठ नंबर का क्वेश्चन था मिस नीलिमा हैड परचेज 500 इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹330 पर शेयर ब्रोकरेज 1% इन फरवरी 1995 यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले गॉट फिफ्टी बोनस शेयर इन सेप्टेंबर नाइनटीन नाइन नाइन सेप्टेंबर नाइन नाइन में इनको पचास बोनस शेयर मिले यह भी फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड वन से पहले मिल गए अब ये बोनस शेयर मिले आपको कब अब यह बोनस शेयर मिले आप लोगों को आफ्टर फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड वन तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन इनकी एक्चुअल क्या मानी जाएगी नील मानी जाएगी Fair market value of shares of A Limited on April 2001 is 45 rupees. 1 for 2001 45. In January 2023, in January 2023, she transferred all her shares at 280 rupees per share, brokerage 2%. The FMV on shares as on 31st January 2018 is 150 rupees per share. Compute the capital gains taxable in the hands of Ms. Neelima, assuming A Limited is an unlisted company. And securities transaction tax was not applicable at the time of sale. Unlisted company मानकर solve karo dusra A limited is a listed company and the shares are sold in a recognized stock exchange and the securities transaction tax was paid at the time of purchase and sale। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा question। मजा ही आ जाएगा इस वाले question को solve करके तो। बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाएगा इस वाले question को solve करके। तो। ठीक है मुझे बस एक सेकेंड दीजिएगा आप लोग गिव मी वन मोमेंट बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके <coughs> आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करो इट्स जस्ट फन आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है लिस्टेड मान के भी और अनलिस्टेड मान के भी ठीक है लॉर्ड ऑफ फन लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ ठीक देखो सबसे पहले हम अनलिस्टेड कंपनी मानकर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं क्या मानकर अनलिस्टेड कंपनी की तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अनलिस्टेड कंपनी राइट तो देखो अनलिस्टेड कंपनी में ओरिजिनल शेयर्स का नंबर क्या है ओरिजिनल शेयर्स है 500 हंड्रेड ओरिजिनल शेयर हो गए आपके 500 हंड्रेड फर्स्ट बोनस शेयर आपको 50 बोनस शेयर यहां पर मिले थे और उसके बाद आपको साढ़े पांच बोनस शेयर और मिले थे ठीक है

ज वन लाख फोर्टी थाउजेंड पर जीरो पॉइंट जीरो टू ये आता है टू थाउजेंड एट हंड्रेड टू थाउजेंड एट हंड्रेड इस पर कितना आ जाएगा चौदह हजार पर इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू ये आता है दो सौ अस्सी रुपए और एक लाख चौवन हजार एक लाख चौवन हजार पर जीरो पॉइंट जीरो टू याद है थ्री जीरो एट जीरो राइट माइनस अगर करते हैं तो कितना आता है वन लाख फोर्टी थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड एट हंड्रेड कितना आया ये वन थर्टी सेवन टू हंड्रेड वन थर्टी सेवन टू हंड्रेड ये कितना आया चौदह हजार माइनस दो सौ अस्सी चौदह हजार माइनस दो सौ अस्सी आया तेरह हजार सात सौ बीस तेरह हजार सात सौ बीस और ये कितना आया एक चौवन माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री जीरो हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है अब क्योंकि एक अनलिस्टेड कंपनी है तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपली फर्स्ट अप्रैल 2001 वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे ठीक है अब देखो यहां पर एसेट परचेस किया गया बिफोर फर्स्ट अप्रैल टू ठीक है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को एक्चुअल थ्री हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज पर शेयर लेकिन यहां पर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को एक्चुअल फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड वन को फेयर मार्केट वैल्यू क्या फेयर मार्केट वैल्यू फोर्टी फाइव रुपीज अच्छा आप मेरे को बताओ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज लेकर चलेंगे या हम फोर्टी फाइव रुपीज लेकर चलेंगे द पॉइंट इज कि हम फोर्टी फाइव रुपीज लेकर चलेंगे अरे सर क्यों नॉर्मली तो कैपिटल एसेट में यही तो हम लोगों ने कहा था कि इफ अ कैपिटल एसेट इज एक्वाड बिफोर फर्स्ट अप्रैल 2001 तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेते हैं या तो एक्चुअल कॉस्ट या तो ये वाली एवर इज हायर यही लेकर हम लोग चलते थे लेकिन वो शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था शेयर्स में तो स्पेसिफिकली बोला गया था ना शेयर्स के लिए तो स्पेसिफिकली बोला गया था कि अगर शेयर्स आपको फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले आपने खरीदे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2001 जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही मानी जाएगी यहां पर आप ये नहीं कर सकते कि एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड एवर इज हायर यहां यह नहीं चलेगा ठीक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा आपका पैंतालीस में खरीदा था पैंतालीस की फेयर मार्केट वैल्यू थी तो 500 हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव फाइव हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव लेकिन हमें इंडेक्सेशन भी करना होगा तो हम इंडेक्स uh, नंबर क्या होगा इस साल का इंडेक्स नंबर थ्री हंड्रेड एंड थर्टी वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड कितना आता है 74, निकल कर आ जाता है तो सेवेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ये निकलकर आ गया

ठीक है तो ये आपका निल आ जाता है अब देखो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस निकल गया वन थर्टी सेवन टू हंड्रेड वन थर्टी सेवन टू हंड्रेड माइनस सेवन फोर माइनस सेवेंटी फोर फोर सेवेंटी फाइव ये हो गया सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्सटी टू सेवन ट्वेंटी फाइव ठीक है सिक्सटी टू सेवन ट्वेंटी फाइव उसके बाद इधर क्या हुआ थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी माइनस सेवन फोर फोर एट ये आता है सिक्स टू सेवन टू सिक्स टू सेवन टू ठीक है ये आ गया आपका सिक्स टू सेवन टू उसके बाद इधर देखें तो ये वन फिफ्टी नाइन ट्वेंटी पूरा का पूरा इधर आ जाएगा 150, 150, 900, आप चाहो तो इसमें टोटल देख लो टोटल कितना आता है ये आपका चाहो क्या टोटल निकालना ही पड़ेगा आपको तो टोटल सिक्सटी टू सेवन ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स टू सेवन टू प्लस वन फिफ्टी नाइन ट्वेंटी ये हो गया टू नाइनटीन नाइन सेवनटीन टू नाइन सेवनटीन राउंड ऑफ कर दो हंड्रेड एंड ठीक है राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा टू टू लाख नाइन नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वेरी नाइस आइए सर शुरू करते हैं अब यह तो हो गया जब शेयर्स आपके अनलिस्टेड थे अब लिस्टेड मान के इसको सॉल्व करते हैं तो लिस्टेड मान के भी सेम चीज होगी पांच सौ ओरिजिनल शेयर्स थे पचास पहली बार बोनस मिले थे और पांच सौ पचास चेयर्स आपको बाद में मिले थे राइट right? अब आ जाओ देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा एक चालीस चौदह एक चौवन ठीक है तो एक लाख चालीस हजार एक चालीस चौदह और चौवन हजार ठीक एक लाख चालीस हजार सॉरी एक चौवन एक लाख चौवन हजार है ना एक लाख चालीस हजार चौदह हजार और एक लाख चौवन हजार सेम रहेगा दो लाख दो हजार आठ सौ दो हजार आठ सौ इधर दो सौ अस्सी दो सौ अस्सी और इधर थ्री जीरोन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी और इधर वन फिफ्टी नाइन ट्वेंटी ठीक है, अब यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ निकालना होगा क्योंकि ये अब कंपनी हो गई है और जैसे ये कंपनी होती है, तो हम फिर से वो cost of acquisition निकालने वाला तरीका जो हम लोगों ने कल सीखा था और आज भी हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं वही हमें करना होगा तो सबसे पहले विल टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी टू इज एटीन ठीक है

अब इसको कंपेयर करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से तो ये आ गया वन लाख फोर्टी थाउजेंडी फोर्टीन और ये वन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड और इसमें से लेंगे विच एवरेज लोअर तो विच एवरेज लोअर में यहां पर आ जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहां पर आ जाएगा सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां पर आ जाएगा एटी टू थाउजेंड फाइव

22,500 इधर 50 इनटू 45, 50 इनटू 45, 2250, 2250 और ये जो साढ़े पांच सौ शेयर्स हैं, ये तो 1 अप्रैल 2001 के बाद इशू हुए, तो इस पर कॉस्ट ऑफ बैकवर्डेशन नील मानी जाएगी, विच इज हायर, तो 75,000 और 22,500 में 75,000 इज हायर, फिर साढ़े सात हजार और 2,250 में साढ़े सात और जीरो और एटी टू फाइव हंड्रेड में एटी टू फाइव हंड्रेड एंड दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस सेवनटी फाइव थाउजेंड तो लॉन्ग टर्म कैपिटल 75,000 थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड इधर

अब आप तो आप टोटल टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकालना चाहो, तो लोग इसको कर सकते हो प्लस प्लस जाता है समझ में आ गया रे वर विशाल मैत्री कह रहे हैं हाय सर न्यूली ज्वाइन इन योर क्लब क्या बात है विशाल बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलकम टू द क्लब ठीक है सो so, सब लोगों का आंसर ये आ गया होगा 550 के लिए जीरो यस yes, लोकेश कुमार 550 के लिए जीरो इसीलिए क्योंकि ये बोनस शेयर्स फर्स्ट अप्रैल 2001 के बाद इशू हुए थे और जो भी बोनस शेयर्स आपको फर्स्ट अप्रैल 2001 के बाद अलॉट होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन nil मानी जाती है ठीक <laughs> डन आओ सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 67 नाउ आओ देखो मिस्टर रॉय एजड 55 अच्छा ये मई 2014 में 8 मार्क्स का आया था और मई 2017 में भी सिमिलर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया था तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स सी मिस्टर रॉय एजड 55 इयर्स

क्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट कोलकाउजेंड दिसंबर 2022 फॉर टेन लाख 2023 एंड 5 थाउजेंड ट्वेंटी जून 15th थाउजेंड 2003 इन द कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अच्छा तो आरईसीएल के बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है ठीक है आरईसीएल के बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया तो यहां पर हुआ क्या है सबसे पहली बात तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर कोलकाता में एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली दस लाख की तो इस पे तो 54 इस सेक्शन का एक्सेंशन मिलेगा ठीक अच्छा, है सात लाख रुपए अप्रैल को डिपॉजिट किए कहा इन द कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये पांच लाख रुपए भी आरईसीएल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए डिपॉजिट किए डिपॉजिटेड फोर लाख रुपीज ऑन सिक्स जुलाई ट्वेंटी थ्री एंड थ्री लाख रुपीज ऑन फर्स्ट नवंबर थ्री इन द कैपिटल गेंड डिपोजिट स्कीम इनशनलाइज बैंक हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता अरे क्या बात है बड़ी अच्छी बात है दस लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और इस दस लाख रुपए के बाद इसने क्या किया तीन लाख रुपए तीन लाख रुपए अच्छा नहीं तीन लाख प्लस ये चार लाख चार हाँ, लाख ,00 रुपए डिपॉजिट किए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में और ये तीन लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लेकिन अभी यहां पर देखो ये जो चार लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये सिक्स जुलाई को किए मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले कर दिए लेकिन ये जो तीन लाख रुपया इन्वेस्ट किया ये वन नवंबर फर्स्ट नवंबर को इन्वेस्ट किया मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद डिपॉजिट किया तो सेक्शन 54 का एग्जामेशन कहां तक मिलेगा सेक्शन 54 के एग्जेम्पन में आप ये 10 लाख ,00 कंसिडर करोगे प्लस ये 4 लाख ,00 कंसिडर करोगे जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया जा चुका है ये तीन लाख रुपए इवन दो इट वॉज डिपॉजिटेड इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड वाई बिकॉज इट वॉज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम कंप्यूड द कैपिटल गेन चार्जमर द टैक्समेंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड इनकम टैक्सूमि इनकम ठीक है अच्छा आरईसीएल के बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट किया आरईसीएल के बॉन्ड्स में सात लाख प्लस पांच लाख रुपए इन्वेस्ट किया ठीक है मकान बेचने के छह महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर देना होता है मकान बेचने के छह महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर देना होता है मकान कब बेचा मकान का बेचा मकान का बेचा मकान का बेचा ही सोल्ड इट ऑन फोर्थ नवंबर ट्वेंटी टू नवंबर से छह महीना काउंट करो फोर्थ दिसंबर जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई फोर्थ मे से पहले अगर आरईसीएल में पैसा लगाया है पचास लाख तक तब तो फिफ्टी फोर ईसी का एग्जेपन मिलेगा लेकिन अगर 4th में के बाद लगाया है तो नहीं तो नहीं मिलेगा यहां पर देखो सात लाख रुपए तो टेंथ अप्रैल को लगा दिया तो इस सात लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा लेकिन ये पांच लाख रुपए फिफ्टीन जून को इन्वेस्ट किया तो छह महीने के बाद इन्वेस्ट हो गया तो इस पर आपको कोई भी एग्जेपन नहीं मिलेगा फिफ्टी फोर ईसी का ठीक है चलो आ जाओ काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आइए इसको सॉल्व करते हैं आएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज इज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसमें क्या है पॉइंट जीरो टू यह आ जाता है एक लाख छ हजार एक लाख छ हजार रुपए यह आ जाता है तो एटी फाइव लाख माइनस एक लाख छह हजार कितना आया ये एटी थ्री नाइनटी फोर एटी थ्री लाख नाइनटी फोर ठीक है अब इसमें आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन करोगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन क्या अट्ठारह लाख रुपए अठारह लाख इंटू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है अठारह लाख इंटू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड कितना आता यह ये आ जाता है आपका फिफ्टी नाइन लाख फिफ्टी एट थाउजेंड फिफ्टी नाइन लाख फिफ्टी एट एस एट ये आता है आपका ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड का आपका कैपिटल गेन आता है अब हम लोग सबसे पहले सेक्शन फिफ्टी फोर का एग्जामेशन लेते हैं तो सेक्शन फिफ्टी फोर में कैपिटल गेन्स कितना आया फोर लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड का कैपिटल गेन आया और नया मकान कितने का खरीदा दस लाख का नया मकान खरीदा और चार लाख रुपए डिपॉजिट किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तो दस लाख प्लस चार लाख चौदह लाख रुपए यहां पर देखेंगे हम लोग विच इज लोअर तो विच इज लोअर में चौदह लाख रुपए का आपको यह मिल जाएगा एग्जेपन और अब आपका कितना हो जाएगा अब आपका कितना हो जाएगा अच्छा और यहां पर कुछ है ही नहीं विच इज लोअर में बस ये हो गया तो चौदह लाख रुपए का ये मिला आपको उसके बाद कैलकुलेट करने की जगह नहीं छोड़ी है मैंने सीधा अंडर सेक्शन फोर ईसी पर आ जाते हैं और अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर ईसी में आपको सात लाख रुपए का एक्जेंशन मिलेगा क्योंकि टेंथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को यह पैसा जमा करा दिया गया था विच वॉज विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो सात लाख रुपए का आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा ओके वैसे लिखते हैं। चौदह लाख रुपए आ गया लोअर में ठीक। और सात लाख रुपए आ गया फिफ्टी फोर ईसी का सात लाख रुपए आ गया फिफ्टी फोर ईसी का तो चौदह प्लस सात इक्कीस लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया है इक्कीस लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिला है ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स माइनस थ्री लाख थर्टी सिक्स आपको इस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना थ्री लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड और यहां पर क्या दिया हुआ है कि no income, कोई और इनकी इनकम है ही नहीं अगर इनकी कोई और इनकम नहीं है तो इस तीन लाख छत्तीस हजार रुपए का पूरा बेनिफिट बेसिक एग्जेम्स लिमिट से मिलेगा ठीक है इसकी एज कितनी है मिस्टर रॉय की साल की की साल एज है तो सर्जन है तो सीनियर नहीं लाख बेसिक लिमिट होगी ठीक है ढाई लाख की एग्जेपन लिमिट को छोड़ने के बाद जो भी पैसा बचेगा उस पर फ्लैट ट्वेंटी के रेट से कैपिटल गेंस लगेगा टैक्स लगेगा ठीक है तो थ्री लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड में से ढाई लाख का बेसिक एग्जेपन माइनस करेंगे लाख का बेसिक एक्समशन माइनस करेंगे और इस पर फिर ट्वेंटी परसेंट के रेट से टैक्स लग जाएगा लाख माइनस और इस पर कितना सत्रह हजार दो सौ रुपये आया आपका टैक्स अब ये शेयर्स वाला कैपिटल गेन नहीं है शेयर वाला कैपिटल गेन होता तो उसके अगेंस्ट रिबेट अंडर एटी ए नहीं मिलती यहां पर पांच लाख से कम की इनकम है और ये वाला जो कैपिटल गेन है दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू वगैरह, तो इस वाले कैपिटल गेन की वजह से मिलेगी क्या कहती है? कि अगर आपकी इनकम पांच लाख से कम है तो हम या तो पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी एग्जेक्ट कर देंगे या फिर बारह हजार विच एवर लोअर तो देखो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है सत्रह हजार दो सौ या साढ़े बारह हजार विच एवर इज लोअर तो so में लोअर आपका निकल कर आ जाता है तो अभी टैक्स आपका कितना आएगा सत्रह हजार दो सौ थाउजेंड सेवन हंड्रेड इस पर अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे चार परसेंट का तो दिस कम्स टू वन एटी एट रुपीजी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी एट रुपीजेंड एट हंड्रेड एंड फॉर रेवर sure सब बोलो निष्ठे फॉर रेवर ठीक है सर काफी कॉम्प्रिहेंसिव उर्चा नहीं परवा नहीं और कुछ कह रहे हैं ठीक है सर तो ये अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने किया कैपिटल गेन्स भी निकालना आ गया फिफ्टी ईसी का भी आ गया 54 का भी आ गया अलग अलग डेट्स वाली भी चीजें आ गई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी आ गया फिफ्टी ईसी में भी छह महीने के अंदर वाली भी आ गई छह महीने के बाद वाली भी चीज आ गई टैक्स लाइबिलिटी भी आ गई रिबेट भी आ गया और यहां पर आपका सब कुछ आ चुका है ठीक है बेसिक एग्जामेशन लिमिट और ये सब रिबेट वगैरह सब कुछ आ चुका है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रस्थान कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नवंबर में आठ जून <coughs> को सत्तर लाख में प्रॉपर्टी बेची विच वॉज परचेज बाई हिम फॉर ट्वेंटी लाख रुपीज ऑन फिफ्थ मे टू थाउजेंड सिक्स फिफ्थ मे को खरीदी गई थी टू थाउजेंड सिक्स में खरीदी थी ये प्रॉपर्टी बीस लाख

बॉट अनदर हाउस प्रॉपर्टी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसंबर ट्वेंटी टू फॉर फिफ्टीन लाख रुपीज तो पच्चीस को एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली और यह खरीदी है पंद्रह लाख रुपए में तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का खरीदना सेक्शन फिफ्टी फोर के एग्जाम्स को अट्रैक्ट कर देता है कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेंथ नवेंबर ट्वेंटी टू बेचा कब प्रॉपर्टी बेची 8 जून 2022 को तो इसके छह महीने के अंदर अंदर इसके छह महीने कब खत्म होंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर में खत्म होंगे और यहां पर तो इसने टेंथ नवंबर को ही एन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो यह आपका 54 ईसी की एग्जेपन को भी अट्रैक्ट कर देता है ही डिपॉजिटेड अनदर टेन लाख रुपीज उस प्रॉपर्टी वेरी नाइस वेरी नाइस लाख रुपए का और साथ ही साथ इसने दस लाख रुपए सी ए जी एस में सीजीएस में भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी इन्वेस्ट कर दिया और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम किया थर्टी फर्स्ट जुलाई होती है बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग किया तो पंद्रह लाख प्लस दस लाख सेक्शन फिफ्टी फोर के एग्जामेशन के लिए हम पच्चीस लाख रुपए को कंसिडर करेंगे कंप्यूट इनकम एंड कैपिटल ऑन दी एजन दैट ही टू टैक्स कोई और इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है ठीक है तो एक्जैक्टली exactly पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है कुछ कुछ और भी चीजें तो आओ मजा आएगा यहां पर लेट्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेंगे 94 लाख ,00 रुपीस तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी आपकी 94 लाख रुपीस ठीक है उसमें एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑन ऑन ट्रांसफर ट्रांसफर कितना था आ जाती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था कितना बीस लाख ,00 का मकान खरीदा था बीस लाख ,00 का मकान खरीदा था इंटू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाय कौन से साल में खरीदा था फिफ्थ मे टू थाउजेंड सिक्स फाइव सिक्स में खरीदा था सॉरी <coughs> सिक्स में खरीदा था वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी सॉरी बीस लाख इंटू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी टू बीस लाख इंटू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी टू

54 का एग्जemption 54 के एग्जemption में या तो कैपिटल गेन्स विच इज 3923770 या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 15 लाख प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन CAGS 10 लाख 25 लाख रुपए विच एवर इज लोअर तो 25 लाख रुपए और 54 ईसी का अगर हम लोग देखें तो 54 ईसी NHAI बॉन्ड्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ठीक है एनएचआई के बॉन्ड्स में दस लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया था तो दस लाख रुपए ये हो गया <coughs> दस लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट किया गया था तो टोटल तो डिडक्शन कितना मिलेगा टोटल डिडक्शन मिलेगा पैंतीस लाख रुपए का टोटल डिडक्शन मिलेगा पैंतीस लाख रुपए का थर्टी नाइन ट्वेंटी थ्री सेवन सेवेंटी माइनस थर्टी फाइव लैक्स आ जाता है फोर ट्वेंटी थ्री सेवन सेवेंटी फोर लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी ठीक है यही है आपका फोर ट्वेंटी थ्री सेवन सेवेंटी ठीक है? अब इस पर आपको कैपिटल गेन्स पर टैक्स निकालना होगा तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं इसकी कोई और इनकम नहीं है यहां पर लिखा हुआ है अज्यूमिंग ये नो अदर इनकम If he has no other income, तो इस पर ढाई लाख रुपए का बेसिक एक्सम्शन का लिमिट मिल जाएगी तो ढाई लाख माइनस करके बीस परसेंट का टैक्स लगा देंगे थर्टी फोर सेवन फिफ्टी फोर थर्टी फोर थाउजेंड सेवन फिफ्टी फोर ठीक है अगेन क्योंकि इनकम पांच लाख से कम है तो रिबेट में मिलेगा तो रिबेट के लिए थर्टी फोर थाउजेंड सेवन फिफ्टी फोर साढ़े बारह हजार विच एवरेज लोअर तो साढ़े बारह हजार की आपको रिबेट मिल जाएगी टैक्स कितना आएगा माइनस साढ़े बारह हजार बाईस हजार दो सौ चौवन बाईस हजार दो सौ इस पर चार परसेंट का सेस लगाओगे जीरो पॉइंट जीरो फोर एट नाइनटी पॉइंट वन सिक्स तो इसको एट नाइनटी बोल देते हैं तो ये आ जाएगा आपका टू 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 फाइव फोर प्लस एट हंड्रेड एंड 90. This is 23,144. 23,144. 23,140 is rounded off. 23,140 is rounded off. I am sure you have to do this forever. Very nice. Siranji Chohan Mayank Rajshree, Hell Rider, Lokesh, Mayank, Samya Bharti, Vyashnavi. चिरंजीत मयंक लोकेश सौम्या संदीप वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया सुजय श्रवण सोनाली संदीप राखी वेरी गुड ठीक है आइए सर <coughs> अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तीन क्वेश्चन हमारे लिए अभी और बाकी हैं वी हैव टू डू थ्री मोर क्वेश्चन नाउ मिसेस हर्षिता

Converted the said land into stock and trade of her business on the said date. So, conversion was capital asset ka stock and trade mein in the financial year 21-22. When the fair market value of the land was 210 lakhs. She crore, He constructed 15 flats of equal size, quality, and dimension. Cost of construction of each flat is 10 lakh rupees. Construction was completed in February 2023.

ठीक है फाइनेंशियल इक्कीस बाईस में कन्वर्जन हुआ था तो इक्कीस बाईस मार्च दो हजार बाईस 22 का इंडेक्स नंबर क्या था तीन सौ सत्रह और चार पांच का था एक सौ तेरह 317 थ्री हंड्रेड एंड अपॉन हंड्रेड एंड थर्टीन ठीक थर्टी फाइव लैक्स 317 थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड एंड थर्टीन ये आते नाइनटी एट एटीन फाइव एटी फोर नाइनटी एट एटीन 580 9818 584 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने निकल कर आते हैं दो करोड़ दस लाख माइनस 9818 584 ये आ जाता है आपका 11181416 11181416 ये आपके कैपिटल गेन्स निकल कर आ जाते हैं अब इसमें से कितना टैक्सेबल होगा 2022 23 में जितने फ्लैट्स बिके प्रोपोर्शनेट ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं राइट right? तो अभी पंद्रह फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए थे और दस फ्लैट्स बिके हैं पंद्रह फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए थे और दस फ्लैट्स बिके तो टेन बाय फिफ्टीन ऑफ दिस टेन बाय फिफ्टीन ऑफ दिस विल बी टैक्सेबल तो आ यहीं पर कर लेते हैं तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स इन द ये कितना हो जाएगा तो वन 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 एट वन फोर ठीक है सेवेंटी फोर

इसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑन थर्टी मार्च ट्वेंटी और अगले महीने पचास लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए आरईसीएल में इन अप्रिल टू तो छह महीने के अंदर अंदर फ्लैट्स बेचने के छह महीने के अंदर अंदर क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है हा हुआ है एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है पचास लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ एन एच पचास लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ आरईसीएल तो क्या पूरे एक करोड़ का एक्जेम्पन मिल जाएगा नहीं

ठीक है, दस फ्लैट्स, तीस लाख रुपए के कितना आया तीन करोड़ रुपए आया तीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एवरी फ्लैट दस फ्लैट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था टेन इंटू दस लाख रुपए दस लाख रुपए लगाया था हर फ्लैट के लिए जहां तक तो मुझे याद आ रहा है यस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ईच फ्लैट इज टेन लाख रुपीज तो दस लाख इंटू दस फ्लैट तो कितना एक करोड़ आ जाता है ये क्या आ जाता है आपका एक करोड़ और ये जो जमीन आई थी उसकी भी तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हम लोग लेंगे जमीन की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट लेंगे जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू बस दो करोड़ दस लाख तो दो करोड़ दस लाख इंटू टेन बाई फिफ्टीन राइट आपने बेचा है तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगा जो जमीन की कॉस्ट थी तो एट द डेट ऑफ कन्वर्जन फेयर मार्केट वाली टू लाख टू करोड़ टेन लाख रुपीज यही बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है तो हमें अगर पीजीबीपी की इनकम है तो प्रोपोर्शनेट इनकम ही तो निकालेंगे तो दो करोड़ दस लाख की दो करोड़ दस लाख की टेन बाई फिफ्टीन दो करोड़ दस लाख का टेन बाई फिफ्टीन इंटू टेन बाई 15. कितना आया ये एक करोड़ चालीस लाख तो ये गया दो करोड़ चालीस लाख तो आ गया आपका साठ लाख बिजनेस इनकम कितनी आ गई बिजनेस इनकम आ गई आपकी साठ लाख रुपए आई एम श्योर सबको समझ में आ गया बोलो निश्चित फॉर एवर बोलो निश्चित फॉर एवर ठीक है जी यस जिंगल हिल सेक्शन 54 फोर इज अट्रैक्टेड वेरी गुड नवी कुमार संदीप कुमार यादव जिंगल जिंगल हिल हिल ओनली ओनली एंड 50 नवी नवी कुमार कुमार चौहान 60 लाख बिजनेस इनकम वेरी गुड मयंक लोकेश सोनाली व्याष्णवी लोकेश वेरी गुड वेरी गुड आइए सर हमारे पास अब सिर्फ दो क्वेश्चन और बचे हैं उसके बाद हम आज की सभा समाप्त करेंगे तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवेंटी दो 2018 अठारह में पांच नंबर का सवाल आया था आओ देखते हैं आपको याद है अभी दिन पहले हमने रिवर्स मॉर्गेज के बारे में बात की थी और तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो इंडिया में वो ओल्ड सिटीजन uh, uh, होते हैं जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उनके लिए जीने का गुजारा कैसे होता है तो उसके लिए अगर उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो वो हाउस प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज करके लोन ले लेते हैं ठीक है हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले लेते ले हैं ठीक चलो आ जाओ इसको देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगी और चीज तब मैंने आपको बताया था कि ये अभी के लिए जाने दो अभी आगे चलकर हम इसका क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी तो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज ठीक है मे दो में रिवर्स मॉर्गेज का क्वेश्चन आया आओ इसको देखते हैं तो मिसिज महालक्ष्मी एन इंडिविजुअल एजेड सिक्सटी एट ईयर्स सिक्सटी एट ईयर्स की एज में मॉर्गेस्ड हर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज फॉर थ्री लाख रुपीज ऑन फर्स्ट ऑक्टोबर टू थाउजेंड ठीक है फर्स्ट अक्टूबर 2002 को इन्होंने खरीदी थी ये प्रॉपर्टी और उसको मॉर्गेज कर दिया विद अंडर नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम एंड वाज सैक्शन अ लोन ऑफ 20 लाख रुपीस एंड वॉ सैंक्शन लोन ऑफ 20 लाख रुपीस सिंपल ठीक है तो हुआ क्या अपना मकान इन्होंने बैंक के पास गिरवी रख दिया और बैंक से बीस लाख रुपए का लोन आ गया राइट लेकिन ये जो लोन आता है ना रिवर्स मॉर्गेज के केस में ये लंपसम लाख रुपए का नहीं आता है ये इंस्टॉलमेंट्स में आता है क्योंकि एक इंसान को महीने भर हर महीने एक फिक्स अमाउंट चाहिए होता है लमसम आज मेरे पास आ जाएगा मैं भी घबरा जाऊंगा या तो मैं उड़ा दूंगा लेकिन अगर मुझे ये गारंटी है ना कि महीने में हर महीने मेरे पास एक फिक्स अमाउंट आएगा तो उससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है राइट तो 20 लाख रुपए का लोन सैक्शन हो गया एज पर दीम शी वॉज रिसीविंग द लोन अमाउंट इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ फ्रॉम द बैंक तो हर महीने तीस तीस हजार रुपये इनको बैंक से मिल रहा था मिसेस महालक्ष्मी वाज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन ऑन मेच्योरिटी ऑब्वियसली ये लोन कभी ना कभी मेच्योर होगा ठीक है ऑब्वियसली ये लोन कभी ना कभी मेच्योर होगा एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ठीक है अब जिंदगी भर का काम हो गया जब तक ये लोन का इंस्टॉलमेंट वाला पैसा आता रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे ठीक है और लोन का पैसा आते आने के बीच में ही हम लोग मर जाएंगे जब हम मर जाएंगे तो बैंक हमारे बैंक के पास हमारा मकान गिरवी पड़ा ही हुआ है बैंक हमारे मकान को बेच देगा और बैंक के पास पैसा आ जाएगा राइट नाउ द पॉइंट इज कि रिवर्स मॉर्गेज में ये जो तीस तीस हजार रुपए मिसिस महालक्ष्मी को मिल रहा है ये जो तीस तीस हजार रुपए मिसिज महालक्ष्मी को मिल रहा है रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम में दिस इज नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स दिस इज नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स ठीक है लेकिन जब मेच्योरिटी हुई मिसेस महालक्ष्मी जिंदा रही और जिंदा रहते हुए अब वो लोन कैसे चुकाएंगी वो तीस तीस हजार रुपए जो मिल गया वो तो वो खर्च कर रही थी तो ये लोन कैसे चुकाएंगी तो अब बैंक इनकी प्रॉपर्टी को बेच देगा अब बैंक इनकी प्रॉपर्टी को बेच देगा और बेचने के बाद अपना लोन वाला पैसा रिकवर कर लेगा प्रॉपर्टी तो अभी भी मिसेस महालक्ष्मी की है बैंक के पास तो सिर्फ गिरवी पड़ी थी प्रॉपर्टी अभी भी मिसेस महालक्ष्मी की है बैंक ने इस प्रॉपर्टी को बेचा बेचने के बाद जो पैसा आया लेकिन अब सुनना बेचते समय जो पैसा आएगा उस पर मिसिस महालक्ष्मी को कैपिटल गेन्स देना पड़ जाएगा ठीक है बेचने पर जो भी पैसा आया पैसा तो अल्टीमेटली मिसेस महालक्ष्मी को जाएगा ना बैंक ने अपना लोन वाला अमाउंट रिकवर कर लिया बचा हुआ पैसा तो मिसेस महालक्ष्मी के पास जाएगा तो मिसेस महालक्ष्मी को ये जो बेचने पर जो भी कैपिटल गेन्स होगा इस पर टैक्स पे करना पड़ जाता है ठीक है तो देखो मिसेस महालक्ष्मी वॉज नॉट एबल टू रीपे द लोन ऑन मेचोरिटी एंड इन लीव ऑफ सेटलमेंट ऑफ द लोन सरेंडर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू द बैंक तो सरेंडर कर दी प्रॉपर्टी

At the time of mortgage, as per section 47, any transfer of a capital asset in a transaction of reverse mortgage under a scheme made and notified by the central government will be not regarded as transfer. Therefore, capital gains tax liability is not attracted. Section 10, subsection 43 provides that the amount received by a senior citizen as a loan, either in lump sum or in installments, in a transaction of reverse mortgage would be exempt from income tax. अमाउंट रिसीव्ड बाई मिस महालक्ष्मी इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉगेज रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर सेक्शन टेन सबसे फोर्टी थ्री ये आपका एग्जेक्ट हो जाता है आगे देखो एट द टाइम ऑफ एलियनेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एलियनेशन मतलब अब यह हाउस प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है यह मेरे लिए एलियन के समान है ठीक है एट द टाइम ऑफ एलियशन एलियनेशन क्या हुआ

तीन लाख रुपए का मकान था तीन लाख रुपए का मकान था तीन सौ इकतीस अपॉन फाइनेंशियल ईयर दो हजार दो तीन में खरीदा था तो दो तीन का कितना है एक सौ पांच है दो तीन का एक सौ पांच है एक सौ पांच, तो तीन लाख इंटू तीन सौ इकतीस तीन लाख इंटू तीन सौ इकतीस डिवाइडेड बाई एक सौ पांच ये आ जाता है नाइन फोर्टी फाइव सेवन वन फोर नाइन फोर्टी फाइव 714. तो माइनस ठीक है अब इस पर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा इनकी कोई और इनकम नहीं है तो पहले ढाई लाख रुपए का बेसिक एक्जन मिल जाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा बीस परसेंट टैक्सेबल हो जाएगा तो ढाई लाख की बेसिक एक्जन माइनस अगर हम लोग करते हैं तो तेरह लाख दो सौ छियासी इस पर ट्वेंटी परसेंट तो यह आ जाता है टू एट फिफ्टी सेवन टू लाख सिक्सटी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन एक गड़बड़ी हुई है ये तो सीनियर सिटीजन है ना ये सीनियर सिटीजन है तो बेसिक एग्जाम हाँ सिक्सटी एट ईयर की एज है तो सीनियर सिटीजन है सीनियर सिटीजन में तीन लाख का एग्जामेशन मिलता है तो ये फिफ्टी फिफ्टी फोर टू एटी सिक्स 1554 में से तीन लाख रुपए का एग्जाम जाएगा और इसमें आपको ट्वेंटी परसेंट तो ,00 इस पर चार परसेंट का सेस रुपीज, रुपीज। तो आ जाते हैं टू फिफ्टी एट फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी एट फिफ्टी सेवन प्लस थाउजेंड थर्टी फोर रुपीज दिसंटी वन

राइट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आज और भी फटाफट से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने जुलाई 2021 में ये सवाल आया था चार नंबर का लेट्स सी एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स इन द फॉलोइंग सिनेरियोस फॉर असेसमेंट ईयर 2324 डिटरमिन द टैक्सेबल अमाउंट एंड रेट एप्लीकेबल तो आपको टैक्सेबल अमाउंट भी निकालना है रेट एप्लीकेबल भी आप लोगों को निकालना होगा देखो On 28th February 2023, 10,000 shares of XY Limited, a listed company, are sold by Mr. B at Rs. 550 rupees per share, and STT was paid at the time of sale of shares. STT was paid at the time of sale of shares. These shares were acquired by him on 5th April 2017. क्या बात है? First, first February 2018 से पहले, फिर से वही कहानी आ गई, जिस कहानी से ये वाले सेशन की शुरुआत की थी हमने। At 395 rupees per share by paying STT at the time of purchase. On 31st January 18, the shares of XY Limited were traded on a recognized stock exchange at the fair market value of 390 rupees per share. Okay. Dusta transaction. Mr. A is the owner, owner of residential house which was purchased on 1st September 2016 for 9 lakh rupees. He sold the said house on 4th September 2022 for 19 lakh rupees. Valuation as per stamp, uh, stamp duty authorities was 45 lakh rupees. Acha. कितने में बेचा 19 लाख ,00 रुपए में बेचा और 45 लाख ,00 की वैल्यूएशन है डेफिनेटली फुल वैल्यू ऑफ 45 ,00 ,00 लाख सॉल्व करना शुरू करते हैं सबसे पहले शेयर को सॉल्व करते हैं ठीक है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है टेन थाउजेंड शेयर्स एट फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टेन था फाइव लैक्स फिफ्टी फाइव लैक्स क्या कोई ब्रोकरेज वगैरह कुछ दिया हुआ है एस टी टी दिया हुआ है कोई ब्रोकरेज नहीं है ठीक है तो ट्रांसफर अरे अरे सो ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपके कुछ नहीं है और 55 लाख रुपए ये आपके निकल कर आ जाते हैं अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरह से देखी जाएगी तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 तो फेयर मार्केट वैल्यू वाज 390 रुपए पर शेयर तो 10000 390 10000 390 अरे 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 दस हजार इंटू थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी दस हजार इंटू थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी दिस इज थर्टी नाइन लाख रुपीज इसको कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ से विच एवरिस्ट लोअर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था एक्चुअल बाय अच्छा थ्री नाइनटी फाइव एक्चुअल शेयर टू टी नाइनटी तो थर्टी नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज हायर तो कितना आता है ये पचपन लाख माइनस एमआरसी इज इक्वल टू पंद्रह लाख पचास हजार लाख पचास ये आ गया। इसके अगेंस्ट कोई बेसिक एग्जेन लिमिट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा ठीक है और इस पर कैसे होगी? चौदह लाख पचास हजार पर दस परसेंट का टैक्स पर आओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग वन लाख रुपीजो लाखेंड वुड भी टैक्सिबल है थे? कोई नहीं थे तो यही फोर्टी फाइव लाख रुपीज आपकी नेट कंसिडरेशन भी हो जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन हम लोग कैलक्यूलेट कर लेते हैं नौ लाख का मकान खरीदा था तो नौ लाख का मकान खरीदा नौ लाख इन टू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाय कौन से साल में खरीदा था ये दो हजार सोलह में दो हजार सोलह सत्रह में खरीदा था तो दो हजार सोलह सत्रह इज टू सिक्सटी फोर दो हजार सोलह सत्रह इज टू सिक्सटी फोर ठीक है तो नौ लाख इन टू थ्री थर्टी वन डिवाइडेड बाई टू सिक्सटी फोर इलेवन ट्वेंटी एट फोर जीरो लाख तो एग्जशन हो जाएगा कितने का उन्नीस लाख रुपए का क्योंकि वो बेचा कब फोर्थ सेप्टेंबर को बेचा ना तो 4th से फोर्थ सेप्टेंबर से छह महीना फोर्थ सेप्टेंबर से छह महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ सेप्टेम्बर फोर्थ मार्च ओहो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को भेजा इन्वेस्ट किया यार मार्च को इन्वेस्ट किया बस कुछ दिनों से चूक गया ठीक है फोर्थ सेप्टेंबर को मकान बेचा ना फोर्थ को मकान बेचा तो फोर्थ सेप्टेंबर से छह महीना फोर्थ मार्च को खत्म हो गए और इसने इन्वेस्ट किया इक्कीस मार्च को तो ये आपका कोई एग्जेम्शन नहीं आएगा और ये पूरा का पूरा थर्टी थ्री लैख सेवेंटी वन फाइव नाइन वन विल बीर टैक्सेबल कैपिटल गेन ठीक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अंडर सेक्शन 112 एट द रेट ऑफ 22 20% 3371590 दिस इज योर आंसर आई एम श्योर सब को समझ में आ गया बोलो रिस्टेन फॉरएवर बोलो रिस्टेन क्लियर नहीं धीरे पहले जोश में बोल रहे थे अब आराम से है सर आपकी आवाज धीरे हो गई क्लियर तो एकदम अनिकेत शर्मा कैसी बात कर रहे हो आप हां कोई एग्जशन नहीं मिलेगा यस yes, संदीप कुमार यादव बहुत बढ़िया तो इसी के साथ हमारा कैपिटल गेन्स का जो रिविजन है वो खत्म हो जाता है ठीक है अच्छा, सब क्लियर है तो इसी के साथ हमारा कैपिटल गेन्स का रिविजन कंप्लीट हो जाता है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं का प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है अभी आजकल ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है और प्राइसिस टेन परसेंट से स्लैश डाउन है तो यू आर सेविंग थर्टी

प्लीज रेगुलरली रिविजन करते रहो नोट्स uh, का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको डाउनलोड करके नोट्स में जितने बाकी क्वेश्चन है प्लीज उनको प्रैक्टिस करते रहो सर आ, आ गया या सारा सेवन क्वेश्चन कर लिया तो हो जाएगा हां जी आगे ये सारा सेवन क्वेश्चन कर लिया तो हो जाएगा लेकिन इनका रिवीजन भी करते रहना होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार कर लिया तो खत्म ठीक है चलो सर बाय बाय एवरीवन गुड नाइट टेक केयर अपना ध्यान रखिए सी यू ऑल टूमोरो एग्जैक्टली एट नाइन पी एम